मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी अभी टाइम है सुबह सुबह का। मैं अभी आरवी को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ और आज थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, धूप तो लगी है पर ठंडी भी है थोड़ी थोड़ी। और ये देखो थोड़े थोड़े बादल भी है। आज भी शायद फिर से बारिश हो जाए। और कल रात को इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। और ये महाशय अभी सुबह सुबह उठ चुके हैं। अर्शिव क्या है यार, मुंह में क्या डाल रहे हो आप? निकालो अर्शिव, निकालो ना। चलो आ जाओ, ठंडी है अभी, यहाँ गिल्ला गिल्ला भी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मेरी चप्पलें भी गिल्ली गिल्ली होगी क्योंकि रात को इतनी तेज बारिश आई और टेढ़ी टेढ़ी बारिश आई, सारे शीशे धुल गए। और ये देखो जी, रिशु की सुबह सुबह की एक्सरसाइज योगा हो चुका है शुरू, और साथ में अर्शिव का भी। अर्शिव साथ में कभी पीठ पे चढ़ता है, कभी पेट पे चढ़ जाता है रिशु का। ये देखो ऐसी ऐसी एक्सरसाइज चली हुई है सुबह सुबह। और मैं रिशु को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो। ये देखो ये देखो अर्शिव, क्या हो रहा है ये? हाँ इधर आ जाओ, पापा को करने दो। एक दो दिन से ये रिशु को भूत चढ़ा है एक्सरसाइज करने का, वैसे ये करते नहीं है। ये आराम से कुछ भी काम नहीं करने देता है हमारे को। ऐसे ही करता है अर्शिव। अपनी स्वेटर लाओ, अपना जामुन लाओ, चलो। कैसे नहीं? और ये हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनता ये हमारी। ये देखो ये देखो ये देखो, इधर आओ इधर आओ। इस मैट में आपको यहाँ पर ए भी लिख रहा दिख रहा होगा, लिखा हुआ। ये आरवी बिमटा का मैट है, ये स्कूल के लिए खरीदा था हमने, स्कूल में योगा के लिए। अब उसके यूज नहीं आता तो इसका फायदा हम भी उठा रहे हैं। तो चलो इन दोनों को करने देते हैं अपनी अपनी एक्सरसाइज, और बाकी मैं करती हूँ अब अपना काम शुरू, सफाई का काम जो सुबह सुबह रहता है, जो इन्होंने इतना खलारा डाला होता है सुबह सुबह, उसको साफ करती हूँ और बाकी अपनी दिनचर्या फिर शुरू करते हैं। रिशु नींद लगा रहे हो? रिशु आजकल पेट कम करने की एक्सरसाइज कर रहे हैं पर ये कम नहीं होगा। होगा मेरे को पूरा विश्वास है। आपका तब होगा जब मेरा भी थोड़ा कम हो जाएगा। पर मेरे को एक्सरसाइज मैं कब करूं? अगर मैं एक्सरसाइज करती हूं ना तो अर्शी वैसे ही ऐसे ही करता है, ये करने नहीं देता है। ये तो है खतरों के बीच से लड़के एक्सरसाइज करना। आपको इन आसनों के नाम भी पता है जो जो आप कर रहे हैं? इसकी कलाकारियां सुबह सुबह शुरू होगी। अर्शिव जाओ अपनी शर्ट लेके आओ, अपना जामू लेके आओ, जाओ। अर्शिव थोड़ा सा काम कर लो। अता आज मैं आपको दिखाती हूँ वानरो का सरदार, जो ढली के वानरो का सरदार है। हाँ भाई यार, रिष्ट पुष्ट बंदर। थोड़ी देर पहले मौसम दिखा रही थी ना। अच्छा अच्छा था, ये देखो बादल ही बादल आ गए और ये देखो धुंध धुंध आ गई यार। अभी तो जून भी नहीं गया, जून में ही ये फॉग आ गई है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखना है गाय यहाँ कैसे संकरे रास्ते में चल रही है, कैसे पहाड़ी पे चढ़ के घास खा रही है। और अगर ये गिरी तो गई, पर शायद इनको अब आदत होगी, ये रोज रोज इधर जाती है। कल मैंने भी चाहिए किसी जान। कैसे कैसे हुआ? जो जस्ट अंकल का लेंटर है ना, वो ना इसके छज्जे पे जा रहा था, इतनी सी जगह में जितनी है ना मैट, बस इतनी इतनी जगह में जा रहा था ना, आगे आगे आगे, और पीछे से उसकी माँ ना बार बार ऐसे देख रही थी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और आगे ना फिर खत्म था, आगे कुछ भी नहीं। आप उन दोनों को एनालाइज कर रहे थे। सुन वो ना बेचारा ऐसे भी नहीं मुड़ पा रहा था वापस, मेरे को जैसे दिखा मैं ना साइड साइड से गया,
और उसके आगे चला गया, फिर मैंने उसका मुंह पकड़ के रखा ताकि वो मुंह ऐसे को ना मोड़े, क्योंकि ऐसे मोड़ता ना वो नीचे गिर जाना था। फिर ऐसे बैक करते करते आराम आराम से आराम से पीछे रहा, तो उसकी बांह के पास संभाला कि बोलो अपना भेजिए उसे। समझ भी गई हो कि अपना भेजिए। वो तो बेचारी उसको पता था ना कि यहाँ से कैसे, तो वो था बच्चा, बच्चे को क्या, बच्चा तो चला हुआ था अपने धुन में, वो आगे आगे वो सोच रहा था कि आगे से कहीं रास्ता होगा, तो आगे कहाँ गए, तो एंटर खत्म होना था। चलो कल आपने अच्छा काम किया। ये देखो अगर आपने इसकी शरारतें देखनी है ना, तो ये देखो इसको कहीं से स्केच पेन मिला है। अर्शिव क्या कर रहे हो आप, इधर देखो जरा, इधर देखो, नाक में इसको डाल रहा है और इससे पता क्या कर रहा है, मूछें बना रहा है अपनी। कल भी पता क्या किया इसने, पूरी मूछें बना दी पूरे फेस पे। नो ये उल्टे काम नहीं करो अर्शिव, रख दो इसको, पिटाई करूंगी मैं आपकी। रुक जा, आने दे मेरे को वहां। अर्शिव मैम बता करना है अर्शिव को, तो ना तो ये देखो जी अर्शिव जी नहा धो के हो गए हैं, बिल्कुल हीरो बन चुके हैं। हीरो बन गए हो आप? हाँ हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी, तो अब क्या करना है आपको? हाँ अब क्या करना है अर्शिव को? टोनी, अभी टोनी नहीं करनी, अभी क्या करना है, अभी खाना खाना है। अभी करना नहीं, खाना नहीं, नहीं नहीं खाना तो पड़ेगा ही अर्शिव। अभी नहीं मैं, अभी अभी बिल्कुल अभी, अभी नहीं। तो जी मैंने इसको ना ला दिया है, अब मैं इसको खाना खिलाती हूँ, क्योंकि आज रिशु बिजी है मिस्त्री जी के साथ, मिस्त्री अंकल आए हुए आज छोटा मोटा काम करने। तो ये देखो टाइम इसके सोने का हो रहा है, तो पहले फटाफट से इसको खाना खिलाती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही लुढ़क जाएगा। और ये देखो जी शिमला का मौसम अचानक से एकदम खराब होता हुआ, और इतना खतरनाक बारिश हो रही है ना, ऐसे लग रहा है बादल फटने वाला, बहुत मोटी बारिश हो रही है, और वहाँ से कहीं कहीं से साफ भी है। और मजे की बात आरवी को छुट्टी होने वाली है बेचारी को, और मौसम ठीक उसी वक्त खराब हो गया, पता नहीं क्यों होता है स्कूल के टाइम पे या 3 बजे या 4। मजे की बात अभी लक्कड़ बाजार में बारिश नहीं हो रही है, जहाँ आरवी का स्कूल है वहाँ थोड़ी भी बारिश नहीं हो रही है, और यहाँ पर देखो कितनी सारी बारिश हो रही है जहाँ पर अभी हम हैं। इतना फ़र्क है शिमला के मौसम में, मतलब कि टनल से उधर को बारिश हो रही है, टनल से इधर को बारिश नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो चलो अब मुझे जाना पड़ेगा आरवी को लेने, उसको लेने के लिए टाइम हो गया है, टैक्सी वहाँ से चल पड़ी है, तो पहुँचती होगी कभी भी आरवी, उसको लेने जाता हूँ अब मैं। ये देखो जी कितनी ईमानदारी से बैठा हुआ मेरा परिवार मूवी का मज़ा लेने। ये कौन सी देख रहे हैं पता नहीं, क्या क्या देखते रहते हैं ये साउथ की मूवीज, दोनों उठ के बैठ के टीवी देखने तीनों। ये देखो मैं बनाता हूँ चाय, हेल्पर भी एक नीचे उसको भी दे देता हूँ, बेचारा वेट कर रहा होगा, तो थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और करते हैं कुछ अगला काम। अगला काम क्या, आंसर तो जानिए आरवी को पढ़ाने, मेरे को अर्शिव को हैंडल करना पड़ेगा। अब इसको ले जाता हूँ कहीं घुमाने फिराने पर, ठंडा भी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बारिश रुक जाती तो ये घड़ी यहाँ रास्ते में ले जाता घूमने। तो चलो देखते हैं क्या होता है, पहले बनाता हूँ चाय। मेरी ड्यूटी चाय बनाने की है और आंचल की ड्यूटी दूध की है। देखो तो अर्शिव और आरवी सो के उठे, उनको दे रही आंचल दूध, डाल देना कुछ मसाला मसाला, बेचारों को शक्कर में ठक रही है। बॉर्नविटा डाल दे कुछ और डाल दे, ज्यादा बॉर्नविटा देना अच्छा नहीं होता। अच्छा किसने बोला, कहाँ लिखा है? मैंने बोला, तेरी अपनी खोज है। दूध में तो हल्दी देनी चाहिए, डाल हल्दी, हल्दी रात को। इसमें क्या लगाया है प्रेशर में? इसमें है घोड़े के चने, आपके फेवरेट घोड़े के चने। ऋषु जो काले छोले होते हैं उनका नाम इसने रखा है घोड़े के चने। और क्या, घोड़ों को देते हैं वो, घोड़ों को ताकत बढ़ाने के लिए। तो इसमें डालता हूँ दूध, और फिर चाय है तैयार मेरी, और जल्दी जल्दी हेल्पर को भी ले जाता हूँ और खुद भी पी लेता हूँ। तुम्हारे को तो नहीं पीनी किसी को चाय? नहीं जी। तुम्हारे तो परहेज होगा चाय से ना? खैर तुम क्या जानो चाय का स्वाद, वही जानते हो। हाँ तो कोई शक है, वो तो उनसे पूछो 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी चाय पीते हैं। इतनी गर्मी में भी स्पेशल चाय पीने जाते हैं।
तो जी टाइम हो चुका है 8:30, आरवी भी आ चुकी है पढ़ के, और अंचल और अर्शिव घुस चुके हैं किचन में डिनर की तैयारी करने, और आरवी बैठी है यहाँ पे कार्टून देखने। ये देखो, हाँ पढ़ के आई है, ये इतने अच्छी पढ़ाई फिनिश कर दी है, और ये देखो कार्टून देख रही है, तो उनको भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो जी अर्शिव की खाने की तैयारी है, और आंचल हो चुकी है खाना बना के फिनिश जी। तो आंचल घोड़े के चने की क्या परफॉर्मेंस है? बहुत ही बढ़िया, मेरे को फेवरेट है। अच्छा रेडी है, चावल भी रेडी है, चपाती भी, डर के क्यों दिखा रहे हो? चपाती भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। हाँ, तो पहले किसकी टर्न है? पहले मैं अर्शिव को खिलाती हूँ, आप और आर्यन भी खा लो। तो चलो करते हैं खाना एंजॉय डिनर, क्योंकि भूख भी लग गई है। तो ये देखो जी अर्शिव का डिनर हो चुका है शुरू, और पहले आंचल इसको निपटा रही है, फिर हम तीनों खाते हैं, क्योंकि भी फिर ये खाना नहीं खाने देता है, बहुत तंग करता है, फिर जब एक बार पेट भर जाता है। किडनैप करना पता नहीं तो ये परसों भी इसने पता क्या क्या रिशु खा रहे थे बड़े मजे से टीवी देख देख के, भाई टिया अर्शिव आया और रिशु की फुल ताली भर दी पानी से और फिर इसने मेरे से मार भी खाई। तो जी आंचल और आरवी चले गए हैं पढ़ने, क्योंकि आरवी का थोड़ा सा रिवाइज करने को रह गया था, कल आरवी का साइंस का टेस्ट, तो वो उसकी प्रेपरेशन करने गए हुए हैं कि थोड़ी देर में हम फ्री हो जाते हैं तो आप लोग भी सोने आ जाना। पर मेरे पास दे रखा है यहाँ पे ये, ओए नीचे मत गिरियो, ये देखो, और ये भाई साहब अब मेरी जिम्मेवारी है कि इसको सुला देना, तो इसको कोशिश करता हूँ सुलाने की। अभी तो ये देख रहा है अपना नाटक अपने कार्टून, तो कोशिश करता हूँ कितनी देर में सोता है इसको सुलाने की, क्योंकि जल्दी सो जाए तो उतना अच्छा है, वरना अभी तांडव करेगा अंदर जाके, है ना बेटा? ऐशी नोजी में हाथ नहीं लगाते, हैंडू नीचे नीचे कर लो। अच्छा हाँ, क्या देख रहे हो आप? हैं पैर पावर पेट्रोल। अच्छा तो कोशिश करता हूँ मैं इसको प्यार प्यार से मनाता हूँ, अगर सो जाएगा तब तक तो सुलाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और उनको एक घड़ी पढ़ने देते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो आंचल क्या मंत्र पढ़ रही है, ऐसा ऐसा ये बुढ़े ना होने का मंत्र है, आप पढ़ लो। अच्छा अच्छा उस दिन जिस स्पोर्ट्स डे था उस दिन सिखाया तेरे को ये मंत्र? नहीं ये मैंने दो तीन दिन पहले यूट्यूब से सीखा है। अच्छा ठीक है, देखो देखो ये जब तक सोया नहीं ना तब तक चला हुआ है कुछ ना कुछ कार्यक्रम। मैंने इसकी कैपेसिटी को हैरान हुआ, चल कहाँ से इतनी कैपेसिटी लाता है, इतनी शरारतें सोचता है सारे दिन, पता नहीं क्या क्या करता रहता है भाई, गौर से और थकता नहीं है। देखता ही माशा है ना, एक माशा है ना, और बोलता भी है अर्शिव आपका नाम क्या है? मैं माशा भाई गौर, मैं पेपा पिग, मैं माशा। कैसे करती है अर्शिव पेपा पिग, दिखाओ तो कैसे करती है? बहुत शरारती, बहुत ही ज्यादा, पता नहीं कितनी कैपेसिटी इसमें, कैसे थकते नहीं है ये बच्चे, माय गॉड। बार भी कहाँ गई? आ रही है अपना, आ रही है वॉशरूम वगैरह करके। अच्छा जब बेटा बोले थक गए अब तो सो जाते हैं, तभी ये तूफान थमेगा, नहीं तो ये तूफान नहीं थमता। ये देखो ये देखो ये देखो, तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, और बाहर हो चुकी है बहुत ही ज़ोरों की बारिश शुरू, तो आज के व्लॉग को करते हैं यही फिनिश, करते हैं अब रेस्ट। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो भी प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमारी तरफ से ओके सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।